उन लोगों से हमेशा दूरी बना के रखो दोस्तों, जो कभी भी अपनी गलती को स्वीकार नहीं करेंगे और हमेशा ये एहसास करवाएंगे कि सारी गलती सिर्फ आपकी है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम वृषभ राशि के लिए बहुत विशेष है, बहुत खास है। वृषभ राशि का साल 2023 वर्ष 2023 वार्षिक राशिफल 2023 आपके लिए कैसा रहेगा, सब कुछ जानेंगे। वृषभ राशि करोड़ों व्यक्ति की होगी और सबके अलग अलग प्रश्न होंगे। कोई जानना चाहता है कि हमारी पढ़ाई कैसी रहेगी, कोई अपना स्वास्थ्य के बारे में पूछना चाहता है, कोई अपना करियर, हमारा करियर कैसा है, हमारा भाग्य कितना अच्छा है, हमारा व्यापार कितना अच्छा चलेगा। सारे प्रश्नों के जवाब आपको मिलेंगे कि वर्ष 2023 आपके लिए कैसा रहेगा संपूर्ण जानकारी के साथ में, और साथ में ये भी बताएंगे कि वृषभ राशि को क्या अचूक उपाय करने चाहिए वर्ष 2023 में। चलिए दोस्तों करते हैं शुरुआत। ये जो कार्यक्रम है आपकी जन्म की राशि, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। और दोस्तों अगर आप मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं तो चैनल के और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप ले सकते हैं। और जो भी कमेंट्स में रिप्लाई आते हैं कि आप कॉल करें चैनल की फ़ोटो लगा के और चैनल के नाम से, वो सारे स्कैम होते हैं, आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों 2023 में वृषभ राशि के जीवन में बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं। वो क्यों? क्योंकि शनिदेव 2.5 साल बाद राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 10th हाउस में सस नाम का राजयोग बनाएंगे। कब? 17 जनवरी में। और वहीं 21 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति आपके 12वें घर में ट्रांजिट करेंगे और 30 अक्टूबर को राहु देव आपके 12वें घर से निकलकर आपके 11th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। तो दोस्तों नवग्रहों का परिवर्तन आपके जीवन में क्या परिवर्तन लेकर आएगा, पहले हम जानेंगे कि पूरे साल आपके लिए कैसा रहेगा, फिर हम जानेंगे महीने के अनुसार कि कौन से महीने में कौन से विषय के लिए अच्छा है, कहाँ पे आपको सावधानी रखनी है, सबको जानेंगे। चलिए करते हैं शुरुआत। ये कार्यक्रम आपकी जन्म की राशि आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। जब 2023 शुरू होगा तो वृषभ राशि से ग्रह गोचर की उपस्थिति कुछ इस प्रकार से रहेगी। भाग्य स्थान में है आपके शनिदेव, लाभ स्थान में है देवगुरु और राहु है आपके 12वें घर में। दोस्तों 17 जनवरी को शनिदेव 9th हाउस से निकलकर आपके 10th हाउस में प्रवेश करेंगे और 30 साल बाद सस नाम का राजयोग बनाएंगे 10th हाउस में। जो काफ़ी सारे व्यक्ति वृषभ राशि वाले व्यक्ति अपने करियर को लेकर परेशान थे ना, अब आपको बहुत ध्यान से सुनना और समझना पड़ेगा। 10th हाउस होता है करियर का, कार्य क्षेत्र का माना जाता है। जब शनिदेव 10th हाउस में आएंगे 30 साल बाद कुंभ राशि में और सस नाम का राजयोग बनाएंगे, तो सबसे पहले जो भी व्यक्ति अपने काम को लेकर परेशान थे, अपने करियर को लेकर परेशान थे, तो 17 जनवरी के बाद निश्चित शनिदेव आपको बहुत अच्छा फल देंगे। और उन व्यक्तियों को जिनके पास नौकरी नहीं थी या जिनकी नौकरी जा चुकी थी किसी कारणवश, तो 17 जनवरी के बाद जब शनिदेव आएंगे 10th हाउस में तो निश्चित आपको नौकरी मिलने की संभावनाएं जनवरी से लगाकर मई और जून से पहले पहले जब तक शनिदेव मार्गी रहेंगे आपको नौकरी मिलने की संभावनाएं बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं और करियर को लेकर जो भी चिंताएं और परेशानी थी वो समाप्त होंगी। वहीं शनिदेव की दृष्टि आपके 12वें घर पे और आपके 7th भाव में भी पड़ेगी। जो वृषभ राशि वाले व्यक्ति विवाह की प्लानिंग कर रहे थे काफ़ी समय से और वो उनका प्रश्न था कि उनका विवाह कब होगा या फिर विवाह की बातें उनके घर परिवार में कब चलेंगी, ऐसा कौन सा समय दिखाई दे रहा है, 2023 में आपके घर परिवार में विवाह की बातें चल सकती हैं। वो क्यों? क्योंकि शनिदेव की दृष्टि कहाँ पड़ेगी, आपके 7th हाउस में पड़ेगी, यानी कि रिश्ते आ सकते हैं और फाइनल भी देखा जा सकता है। 12वें घर पर शनिदेव की दृष्टि है। एक बात आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि बस अपने माता के स्वास्थ्य पर 2023 में थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखकर चलना होगा क्योंकि शनिदेव की दृष्टि 4th हाउस में भी पड़ रही है, तो माता के स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान रखकर चलना है। और जो व्यक्ति फौरन जाना चाहते थे उनके 2023 वर्ष अच्छा रहेगा। इसी के साथ देवगुरु बृहस्पति 21 अप्रैल को आपके 12वें घर में ट्रांजिट करेंगे। कहाँ पे? मेष राशि में। 21 अप्रैल से लगा के पूरे साल 12वें घर में रहेंगे और गुरु और राहु का गुरु चंडाल दोष भी बनेगा। यहाँ पर दोस्तों आपको अपने खर्चे पर कंट्रोल करके चलना होगा 21 अप्रैल के बाद, और जो आपके बड़े भाई बहन हैं उनके साथ में भी रिश्ते नातों को बनाकर चलना होगा, नहीं तो आपके रिश्ते नातों में परेशानी आ सकती है 21 अप्रैल के बाद, खासकर बड़े भाई बहन के साथ में वहाँ पर विशेष। और हाँ, जो व्यक्ति लव रिलेशन में है विशेष उनको भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा 21 अप्रैल से लगाकर अगस्त और सितंबर तक अपने प्रेम प्यार में, क्योंकि शनिदेव भी वक्री रहेंगे तो थोड़ा बहुत आपके प्रेम प्यार में अड़चने देखी जा सकती हैं। और जब गुरु 12वें घर में ट्रांजिट करेंगे तो किसी पर भी बहुत ज़्यादा
विश्वास आपको नहीं करना है। और कोई भी आप लोन लेना चाहते हैं, कोई भी आप शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, 21 अप्रैल के बाद अपनी कुंडली का परामर्श आपको पहले करवाना होगा, विशेष ध्यान रखकर चलना ही होगा। वही राहु देव 30 अक्टूबर 2023 में आपके 11th हाउस में ट्रांजिट करेंगे 12वें घर से निकलकर। जिन व्यक्तियों को स्किन से रिलेटेड परेशानी चल रही थी या फिर ज्वाइंट पेन की प्रॉब्लम चल रही थी, या फिर जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे थे, बहुत हेडक था, बहुत मानसिक तनाव था, डिप्रेशन में चल रहे थे, एंग्जाइटी थी, जब 12वें घर से राहु देव निकल जाएंगे 30 अक्टूबर को और 11वें घर में आएंगे, काफ़ी अच्छा परिवर्तन होगा वृषभ राशि के लिए। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, हेल्थ इश्यूज, वहाँ से सब बाहर निकलेंगे। और 11वें घर में राहु देव का गोचर 18 साल बाद बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि 11th हाउस होता है लाभ का, और राहु का 11th हाउस में आना सडनली इनकम गेन, 30 अक्टूबर के बाद सडनली इनकम में आपके ग्रोथ हो सकती है, प्रमोशन मिल सकती है, सडनली कोई परिवर्तन आ सकता है आपके करियर में, एक अच्छा परिवर्तन, पॉजिटिव परिवर्तन आ सकता है 30 अक्टूबर 2023 के बाद। ये बताया दोस्तों कि पूरा साल आपके लिए कैसा रहेगा। अब जानते हैं महीने के अनुसार कौन सा महीना किस चीज़ के लिए अच्छा है। शुरुआती समय में जनवरी, फरवरी और 12 मार्च से पहले पहले शुक्र आपके 9th, 10th और 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहे होंगे आपके राशि के मालिक। जनवरी, फरवरी और 15 मार्च से पहले पहले आपके जो भी डिज़ायर्स थे ना, जो व्यक्ति चाहते थे कि मैं गाड़ी लेना चाहता हूँ, या फिर कोई भी वो चीज़ सामान खरीदना चाहते थे, खासकर लग्जीरियस और चमकती धमकती चीज़ें, वो 15 मार्च से पहले ले सकते हैं। योग काफ़ी अच्छे हैं, शुक्र की पोजिशन काफ़ी अच्छी है, करियर में भी अच्छा रहेगा। जो व्यक्ति डिज़ाइनिंग से रिलेटेड काम करते हैं, टूर एंड ट्रैवल का काम करते हैं, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम करते हैं, या फिर खुद का काम करते हैं डेली इनकम का, तो जनवरी, फरवरी, मार्च आपके लिए अच्छा रहेगा। भाग्य आपका साथ देगा, शुभ कार्य, मांगलिक कार्य आपके सपोर्ट में रहेंगे। वहीं 12 मार्च के बाद देखा जाए तो पूरे 12 मार्च से लगा के मार्च के महीने में और 10 अप्रैल से पहले आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान रखना होगा, खासकर डायबिटीज़ पे और खासकर कफ कोल्ड जैसी चीज़ों पे, क्योंकि शुक्र आपके 12वें घर में ट्रांजिट कर रहे होंगे, तो हेल्थ पे ध्यान रखकर थोड़ा बहुत चलना होगा। और उसके बाद शुक्रदेव आपके फर्स्ट हाउस में जाएंगे 8-10 अप्रैल के बाद। आपका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है, जब शुक्र फर्स्ट हाउस में आएंगे यानी कि अप्रैल के महीने में, कोई अचीवमेंट मिल सकती है आपको, कोई प्रमोशंस हो सकता है, किसी अच्छी यात्राओं पे आप जा सकते हैं, धार्मिक यात्रा आप कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य देव भी नीच उच्च के रहेंगे 12वें स्थान में, यानी कि कोई लॉन्ग ट्रैवल देखा जा सकता है, कोई सामाजिक कार्य कर सकते हैं आप अप्रैल, मई और जून के महीने में। और दोस्तों उसके बाद जुलाई, अगस्त और सेप्टेम्बर शुक्रदेव आपके थर्ड हाउस में ट्रांजिट कर रहे होंगे, वक्री भी हो जाएंगे थर्ड हाउस में, यानी कि अगस्त और सितंबर का महीना ऐसा है जब आपके ट्रैवलिंग थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, और उस टाइम पर भी थोड़ा बहुत आपको स्ट्रेस और डिप्रेशन जैसी समस्या थोड़ी बहुत आ सकती है, फिर ओवरथिंकिंग और अपने लव रिलेशन को लेकर या फिर किसी कर्जे को लेकर थोड़ा बहुत, यानी कि उस टाइम पर आपको कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है और कर्जे से भी थोड़ा सा ध्यान रखकर चलना होगा। ये महीने के अनुसार है, आपकी राशि के मालिक की स्थिति और बाकी ग्रहों की स्थिति के अनुसार कि वो आपको क्या फल दे सकते हैं। और उसके बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में प्रॉपर्टी के योग बहुत अच्छे हैं, सेविंग्स बहुत अच्छी हो जाएंगे। शुक्र आपके 4th हाउस में, फिर आपके 5th हाउस में ट्रांजिट करेंगे, यानी कि जो संतान की प्लानिंग कर रहे हैं, वैसे 2023 आपके लिए अच्छा है, लेकिन अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। वहीं जो प्रेम प्यार को लेकर परेशान थे ना, तो अगस्त के बाद से लगाकर प्रेम प्यार भी आपका अच्छा देखा जाएगा, और कोई नया लव रिलेशन भी हो सकता है जिनके पास कोई लव रिलेशन नहीं है, तो उनके लिए अच्छा रहेगा। क्या उपाय करने चाहिए आपको? सबसे पहले तो शुक्रदेव का बीज मंत्र करें, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः 108 बार। वहीं गायत्री मंत्र का जाप करें रोजाना 108 बार, और हनुमान चालीसा का पाठ भी जरूर फॉलो करें। कैसे लगे आपको वीडियो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ में। धन्यवाद।